कर रहे हैं, देव भाई फोन आउट तो मुँह का आँखी का मीचल लगता है। ये मेरी कसम मोड़ी ओड़ी तो बात और ना करिए, तेरे छोटी छोटी बहन है वे कहा सीखे है, यूं सीखे है की माँ भैया उल्टो चला था मऊ चला है। पहले ही देंगे पुड़िया खा कर दांत खराब कर ले, न पुड़िया सीख ली है, अब 17 साल के हैं, थोड़े दिन बाद दारू सीख लियो 18 साल में। हेलो दोस्तों, स्वागत आज की एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे शिवानी कुमारी का जो भांजा है ईशु कुमार, जो ईसा का भैया है, जो ईसा है जो ब्लॉग बनाती है शिवानी के साथ, मतलब भांजी उनकी, उनके भैया की आज हम बात करेंगे। लड़का की बहुत छोटी सी उम्र में वो करने जा रहे हो लव मैरिज, आप लोगों को बताएं अकीना हो रहा हो या तुम्हें जब पता हो मुझे वो करने जा रहा हुआ लव मैरिज। आपने जैसे क्लिप देखी पहले कि शिवानी समझा रही है, लेकिन वो समझ में ना आ रही वाकई अभी तक का मतलब। एक ऐसा हो गया करें सब लोगों को, मतलब जब सब व्यवस्था मिल रही है, सब सुकून मिल रहा हुआ है, तो अब जो लोग जो सोचते हैं कि हमें का ही करना, तो हम तो यूँ सुते जाए गए भैया सुधर जा तू छोड़, हम तो खैर बहुत छोटे है सुधर जा ठीक है। और अच्छी अगर भाग्यशाली जो भाग गए थे जो शिवानी कुमारी तो जैसी मौसी मिले ठीक है भैया। तो जब शिवानी कुमारी तुम लोगों ने पढ़ाना चाह रही देखो, तो फिर ईसा को पढ़ा रही है, और ईसु से हमारे कहना को भाई पढ़ लिख ले थोड़ो आगे काम आएगा ठीक है। शिवानी कुमारी हमेशा ना बैठी रहेगी तुम्हारे पास ठीक है। तो पहले जाके क्लिप देखो थोड़ी, शिवानी कुमारी इन कैसा समझा रही है इन बच्चे ने को, और शिवानी जैसे हो ना मुश्किल आज की दुनिया। तो पहले क्लिप देखो इनकी, तब हम बात करेंगे इनके बारे में। मुँह का आँखी का मीचल लगता है ये, क्लिप पूरी देख लो। हमारा घर छोड़ो, राह थोड़ी करे तुम्हारे घर, राह तुम्हारे उतारने चले आओ, अपने घर को खर्चा चलाओ, अपनी बहनन को खर्चा चलाओ, अपनी पढ़ाई खर्चा चलाओ, अपने पापा की दवा को खर्चा चलाओ, मम्मी की दवा खर्चा चलाओ, सब तुम करो, दांत का निकाल। पूरी क्लिप देख लो भाई कैसा शिवानी कुमारी बढ़िया बढ़िया समझा रही है इन लोगों को, लेकिन इन लोगों की समझ में आया ना रही है। 17 साल के और तुम्हारे लकात है, अपने थोड़ी कात है। इनके पापा तो दारू पीते हैं, मास्टर माइंड और किताब लेने गए तो तुम्हें जो दिक्कत हो कर हमें बताओ करो की किताब कापी नहीं मिली। ये सुमन दीदी है जो शिवानी के उनके बच्चे हैं, ये ईसु जो ईसा कुमारी के भैया हैं जो बड़े ईसा तो ठीक है। लेकिन तो मेरी कसम ओड़ी ओड़ी तो बात और ना करिए, छोटी छोटी बहन है वे कहा सीखे हैं, यूं सीखे हैं कि माँ भैया उल्टो चला था मऊ चला है। पहले ही देंगे पुड़िया खा कर दांत खराब कर ले, न पुड़िया सीख ली है, अब 17 साल के हैं। तो आप लोगों ने क्लिप देख ली 18 साल में शिवानी कुमारी कितने हिसाब से ने समझा रही बच्चा की तरह ने, तो इतना पढ़ाया नहीं है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं ईसु बेटा सुधर जाओ, फायदा में रहोगे ठीक है। और हमने सुनी है इनकी जी लव मैरिज करने जा रहे हैं ठीक है, और वह इटावा की लड़की है, बैटावा की छोरी है, और जे और रही आगे नए कसी उम्र में इतने गंदे काम, पापा दारूबाज है, बहन को तुम्हारी मौसी ने मकान बना के दे दो 4-5-6 कमरा ठीक है। इतनी मौसी तो काऊ के संगना करते है, अपने खुद के संगना करते है, जो तुम लोगों के संग तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ जो शिवानी कुमारी देख रही है, तो तुम लोगों को थोड़ा सोच के चलना चाहिए भैया ठीक है। हाँ ईसा अपनी जगह पे बहुत अच्छी बिटिया है, और वो शिवानी की तरह एकदम जी रही, शिवानी के नेचर की तरह शिवानी के उसमें चल रही है। ईसा बहुत अच्छी, ईसा के लिए हम कोई कमेंट नहीं हमारे पास, वेरी गुड ईसा। तो मैं ऐसी शिवानी कुमारी के मतलब बचनों पे चलो, जो शिवानी कुमारी जैसी बना बताएं वैसे चलो, तुम भी एक दिन नाम कमाओगे। और ईसु बेटा तुम्हें ऐसे हमें यही कहना है कि भैया देख सुधर जा, छोटो दही है ना का उधर हम दो लप्पड़ मारेंगे गुस्सा हम तुम्हें बता रहे हैं ठीक है। जब शिवानी तुम्हें इतनी मदद कर रही, तुम्हें पढ़ाई लिखाई रही हैं, फीस घर को राशन, तुम्हें बढ़िया मकान, तुम्हारे पापा मकान ना बना पाते ऐसे ज़िंदगी में ठीक है। ये किस्मत तुम्हारी तेज है, उस शिवानी कुमारी ने तुम्हें जो मकान बनवा के दे दो इतनो बड़ो, तो हम तुमसे यही कहना चाहते हैं कि भैया सुधर जाओ, प्यार व्यार के चक्कर में कुछ ना रखो, बर्बाद हो लोगे एक दिन ठीक है। और जो जो नाम है थोड़ा ऊँचो शिवानी कुमारी को, और तुम लोगों ने जो इज्जत मिल रही है शिवानी कुमारी को, जिस सब डूब जाएगी अगर ऐसा कदम उठाए बैठे तो। तो हम तो जय कहें थोड़ा सोच समझ के चलो, और शिवानी कुमारी से हम जय कहेंगे ज़्यादा नहीं 6 महीना के ना इन लोगों को अपने ऊपर डिपेंड पर छोड़ दो, ना खर्चा दे उन लोगों को ना कुछ, इन लोगों की देखभाल करो, तब इन्हें पैसा की वैल्यू समझ में आए कि पैसा का चीज़ होता है ठीक है। अब जो तुम्हें सब फुल खर्चा मिल रही तो तुम बोरा रहे हो सब लोग, तुम्हारे पापा दारूबाज हैं, अब बेचारी सुमन दीदी हैं वे तो कहाँ बेचारी कहने भी तो लाचार हैं, लेकिन वो अपनी जगह अच्छी हैं। तो कम से कम तो अपनी मम्मी की तरफ देखो, पापा को समझाओ भाई बड़े हो ईसा तो बड़े हो तो थोड़े सोच समझ के चलो ठीक है। अब तुम ऐसे कर्म कर रहे हो तो ईसा फिर कहा, ईसा भी बिगड़ सकती है, थोड़े सोच समझ चलो। जब भैया बिगड़े तो देखो बहन भी बिगड़ जाता है समझे मारे, जैसे शिवानी कुमारी ने बताई थी कि जब तुम बड़े हो तुम बिगड़ोगे तो घर में और सब बिगड़ सकते हैं। तो बेटा सुधर जाओ,
ठीक है। आलाय को शिवानी कहूँ अब ऐसी वीडियो ना डालें और हमें पता पड़े कि शिवानी के बारे में तुम्हें समझाओ और अभी तुम सुधरे ना और फिर भाई बात आई तो तुम बेटा समझ लियो, थोड़े सोच समझ के चलो, फ़ायदा में रहोगे ठीक है। और तुम्हारे पापा में बीमार हों तो शिवानी कुमारी पैसा लगाए, सुमन दीदी को पूरा खर्चा, तुम लोगों को स्कूल को सब कुछ खर्चा, एकदम बेचारी शिवानी अकेले देख रही है। अबे तो मान लो वो कुंवारी हैं शिवानी कुमारी, अगर जो शादी करके चली गई, अब का पता वे जहाँ रहें या अपने सासुरे जहाँ, फिर तुम लोगों को कैसे पालन पोषण हुए हो, तो थोड़े समझ के चलो ना। अब ईसा कुमारी भी अपने ब्लॉग वगैरह भी बना लेते हैं तो कुछ खर्चा पानी तो अच्छा है, तुम भी कुछ अच्छा सीखो, पढ़ाई लिखाई करो, तो ब्लॉग वगैरह ये तो कभी काम कर सकते हो सोशल मीडिया में, लेकिन पढ़ाई लिखाई देखो थोड़ी पहले ज़रूरी है, तो पहले पढ़ाई करो और अपने माँ बाप की तरफ देखो। शिवानी कुमारी तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा ना बेचारी बैठी रहेंगी तुम्हारे खर्चा चलाने के ना, और बहुत कुछ तुम लोगों ने संग कर दो शिवानी कुमारी ठीक है, तो थोड़े सुधर के चलो। यीशु तुमसे हमें एक बात कहना है और हमारी विनती है हाथ जोड़ के शिवानी कुमारी से और अभिषेक भैया से, अगर वीडियो एक दिन पहुँच जाए तो भैया कॉमेंट जरूर कर दियो तुम कैसा मेहनत न प्यारेगी, कॉमेंट जरूर करियो, कबू ना कबू तो वायरल होगी, कबू ना कबू तो पहुँचेगी, क्योंकि हमने आज दिन तुम्हारे खिलाफ़ वीडियो ना बनाई, हमेशा सपोर्ट में वीडियो बनाई है बिग बॉस से लेकर अब तक ताश से पहले से 2 साल तक ठीक है, तो थोड़ो सपोर्ट करो हम लोगों को ताकि हम भी कुछ कर सकें। और रीच तो हमारा इतना कम हो चुका, चैनल डिलीट हुआ, एक महीना तक अगर कोई वीडियो ना पड़ता तो रीच ख़त्म हो जाता है वो, तो कोई नहीं धीरे धीरे हो जाए सब सही, पर कंटिन्यू बनाए रखना। और आज हमने जब बात अब यीशु के ना बोली है तो यीशु को बहुत समझा रहे, हम भी समझे सब लोग, अब देखो हम पास जा नहीं सकत, शिवानी कुमारी बेचारी समझा रही निकल के मान ना सकत ठीक है, तो अगली बार यीशु की कोई गलती कर भाई तो हम पक्का घर जाएगी डांटेंगे, हालांकि छोटो हम दे यीशु तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही ठीक है, और थोड़ी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दियो और एक प्यारो सो कमेंट कर दियो हमारे प्रति और शिवानी के प्रति, कि गुजाम इज्जत को सवाल है ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भैया सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन दबा लियो ताकि कोई वीडियो डालें तो तुम तक तुरंत पहुंच जाए, और अगर पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखो है तो भैया दिल से बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया ठीक है, और मिलेंगे फिर का नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।